दोस्तों, अब आप ले सकते हैं आसानी से ट्रैक्टर लोन, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत की पांच ऐसी बैंकों की जो आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन उपलब्ध कराने का दावा करती है। तो यदि आप एक किसान हैं और आप नया ट्रैक्टर लोन के माध्यम से लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम ना केवल ऐसी पांच बैंकों की बात करेंगे जो आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन दे सकती है, साथ ही इन बैंकों के ट्रैक्टर लोन की खासियत, दस्तावेज, ब्याज और चार्जेस के साथ ही साथ यहां से कैसे ट्रैक्टर लोन के लिए आवेदन करें इसकी भी बात करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो के आखिरी में हम ये भी जानकारी देंगे कि यदि आप इन पांचों में से किसी भी बैंक से ट्रैक्टर लोन लेते हैं तो आपको किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश, आप हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के समय में यदि आप खेती से जुड़े हैं तो ट्रैक्टर आपकी खेती के लिए प्रमुख उपकरण होता है, लेकिन भारत में छोटे किसानों के लिए नगद रूप से ट्रैक्टर खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में आप ट्रैक्टर लोन लेकर नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और अपनी खेती को और ज्यादा लाभ का धंधा बना सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रैक्टर लोन एग्रीकल्चर लोन यानी कृषि लोन की कैटेगरी में आते हैं और देश की प्रमुख बैंक और फाइनेंस कंपनियां नया या पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए वो लोन उपलब्ध कराती है। और आज हम ऐसी ही पांच बैंकों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन देने का दावा करती है। लेकिन इन पांच बैंकों की जानकारी से पहले आपको ट्रैक्टर लोन के सामान्य योग्यता और दस्तावेजों के बारे में समझना जरूरी है, ताकि आप इन पांच बैंकों में से किसी से भी आसानी से ट्रैक्टर लोन ले सके। तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रैक्टर लोन लेने की योग्यता के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हर बैंक और फाइनेंस कंपनियों की ट्रैक्टर लोन योग्यता उनकी पॉलिसी के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ हम आपको सामान्य ट्रैक्टर लोन योग्यता के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप आसानी से समझ पाए कि आपको ट्रैक्टर लोन मिल पाना कितना आसान होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप ट्रैक्टर लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली योग्यता है आपकी उम्र, जो कम से कम 18 साल की होना आवश्यक है। इसके अलावा आपकी अधिकतम उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी योग्यता की बात की जाए तो आपके पास स्थायी इनकम होना आवश्यक है, जिसका रिकॉर्ड बैंक आपसे मांग सकती है। ट्रैक्टर लोन लेने के लिए तीसरी योग्यता की बात की जाए तो वो है आपका क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, वैसे तो हर बैंक और फाइनेंस कंपनी में क्रेडिट स्कोर के पात्रता मापदंड अलग अलग होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर लोन लेने के लिए आपका न्यूनतम क्रेडिट स्कोर 650 होना जरूरी है। चौथी योग्यता की बात की जाए तो वो है खुद की कृषि भूमि। दोस्तों, यहाँ आपको जानकारी दे दें कि बहुत सी बैंक बिना कृषि भूमि के भी ट्रैक्टर लोन उपलब्ध कराती है, लेकिन यदि आपके पास न्यूनतम 2 एकड़ की सिंचित कृषि भूमि है तो आपके लिए ट्रैक्टर लोन लेना और भी आसान हो जाता है। दोस्तों, ट्रैक्टर लोन की योग्यता के साथ ही साथ आपका ध्यान ट्रैक्टर लोन लेने में लगने वाले दस्तावेजों पर भी होना जरूरी है। तो आइए इन दस्तावेजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ट्रैक्टर लोन लेने के लिए आपको सामान्य पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही साथ आपके निवास संबंधी दस्तावेज जैसे बिजली पानी का बिल या टेलीफोन बिल की जरूरत होती है, या गैस घरेलू गैस बिल की जरूरत होती है। इन दस्तावेजों के अलावा यदि बैंक आपसे इनकम डॉक्यूमेंट मांगती है तो वह भी आपको उपलब्ध कराना होते हैं। इसी के साथ जरूरी हो तो बिजनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट भी बैंक आपसे ट्रैक्टर लोन लेने के लिए मांग सकती है। इन सभी दस्तावेजों के अलावा आपकी कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेजों की मांग भी की जा सकती है। हालांकि कृषि भूमि के दस्तावेज सभी बैंक मांगे ये जरूरी नहीं है। ट्रैक्टर लोन के इन दस्तावेजों के अलावा भी आपसे दूसरे दस्तावेज बैंक डिमांड करती है, जैसे ट्रैक्टर खरीदने का कोटेशन। यदि जरूरी हो तो एक गारंटर से जुड़े डॉक्यूमेंट भी यहाँ देने पड़ सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दस्तावेज हर बैंक या फाइनेंस कंपनी में अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ शॉर्ट तरीके से इन दस्तावेजों की जानकारी दी है। लेकिन यदि आपको ट्रैक्टर लोन की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे ट्रैक्टर लोन डॉक्यूमेंट लिखकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसकी डिटेल में एक लिस्ट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ट्रैक्टर लोन की योग्यता और दस्तावेजों की जानकारी के बाद अब बात करते हैं आज की वीडियो के मेन टॉपिक की, जो है पांच बैंकों की जानकारी जो आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन दे सकती है। और इन पांच बैंकों में सबसे पहली है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। जी हाँ दोस्तों, SBI कृषि के साथ ही साथ व्यापारिक उपयोग के लिए
ट्रैक्टर लोन प्रदान करती है। चाहे आप किसान हो या एक बिजनेसमैन, आप यहां से ट्रैक्टर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। SBI ट्रैक्टर लोन के लिए कम से कम 2 एकड़ कृषि भूमि का होना आवश्यक है। इसी के साथ SBI ट्रैक्टर लोन के ब्याज की शुरुआत 9% से होती है। इसके अलावा SBI ट्रैक्टर लोन लेने के लिए कई अन्य बातों का ध्यान भी रखना होता है। इनमें से पहली है, ट्रैक्टर लोन लेने के लिए आपकी नियमित आय होने के साथ ही साथ 15% का मार्जिन आवश्यक है। दूसरी बात, SBI से ट्रैक्टर लोन लेते समय आपको ट्रैक्टर या उसके सहायक उपकरणों का बीमा लेना आवश्यक है। SBI बैंक से ट्रैक्टर लोन लेते समय ध्यान में रखी जाने वाली तीसरी जरूरी बात है, जब भी आप यहां ट्रैक्टर लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको प्रक्रिया शुल्क के रूप में लोन राशि का लगभग 0.5% शुल्क का भुगतान करना होता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रैक्टर लोन की स्वीकृति और ब्याज SBI की पॉलिसी के साथ ही साथ आपकी प्रोफाइल, क्रेडिट स्कोर, इनकम के साथ ही साथ आपकी कृषि भूमि के प्रकार पर भी निर्भर करता है। इन्हीं आधारों पर स्वीकृति और ब्याज का निर्धारण भी होता है। इसलिए जब भी SBI में ट्रैक्टर लोन के लिए आवेदन करें, सभी शर्तें और ब्याज के संबंध में पुख्ता तौर पर जानकारी लेना आपके लिए जरूरी होता है। दोस्तों, यदि आप यह जानकारी देखने के बाद SBI से ट्रैक्टर लोन लेना चाहते हैं तो इसके आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी भी आपके पास होना जरूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SBI ट्रैक्टर लोन लेने के लिए आवेदन करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप यहां 3 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इनमें पहला है, आप SBI की स्थानीय ब्रांच में सीधे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर भी संपर्क करके ट्रैक्टर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा और सबसे आसान तरीका है, आप ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए ट्रैक्टर लोन आवेदन की डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दूसरी बैंक की जो आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन उपलब्ध कराने का दावा करती है, और इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, देश की बड़ी प्राइवेट बैंक आपको आसानी से नया या पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन उपलब्ध करा सकती है। इसका ब्याज ट्रैक्टर के प्रकार, आपकी प्रोफाइल और सिविल स्कोर पर आधारित होता है। इतना ही नहीं, HDFC बैंक सिर्फ 30 मिनट में आपका ट्रैक्टर लोन स्वीकृत करती है, बशर्ते आप HDFC बैंक के ट्रैक्टर लोन के लिए योग्य हो। दोस्तों, HDFC बैंक से ट्रैक्टर लोन लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप ट्रैक्टर की कीमत का 90% तक का लोन यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा आप आसानी से चेक, ECS या डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से अपने ट्रैक्टर लोन की किस्तों का भुगतान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको HDFC बैंक से ट्रैक्टर लोन लेते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहां ट्रैक्टर लोन लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होना चाहिए। इसके अलावा ट्रैक्टर लोन लेने पर आपको लगभग 2% तक का भुगतान प्रक्रिया शुल्क के रूप में HDFC बैंक को करना होता है। HDFC बैंक से ट्रैक्टर लोन के आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ भी आप उन्हीं 3 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं जो हमने SBI ट्रैक्टर लोन के संबंध में, यानी कि आज की पहली बैंक के संबंध में बताए हैं। यानी पहला, आप सीधे स्थानीय ब्रांच में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर संपर्क करके भी ट्रैक्टर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा, आप यहां ऑनलाइन भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज की वीडियो की तीसरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन उपलब्ध करा सकती है। यहाँ से आप नए या पुराने ट्रैक्टर को खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, बशर्ते आप इसके लिए योग्य हो और आपके पास कम से कम 2.5 एकड़ कृषि भूमि हो। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको आपकी इनकम के आधार पर सरल भुगतान का ऑप्शन भी देती है। साथ ही यहाँ से ट्रैक्टर लोन लेने पर आपको 12.25% से शुरू होने वाले ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि यह ब्याज आपकी प्रोफाइल, कृषि भूमि, ट्रैक्टर की कीमत और प्रकार के साथ ही साथ आपके सिविल स्कोर के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए ट्रैक्टर लोन आवेदन के पहले आपको ब्याज के संबंध में जानकारी लेना जरूरी है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्रैक्टर लोन लेने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है जो मैंने पहली और दूसरी बैंक के संबंध में बताई थी। यानी आप स्थानीय ब्रांच में आवेदन कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर संपर्क करके भी आवेदन कर सकते हैं, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन यहाँ के लिए ट्रैक्टर लोन लेने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की चौथी बैंक की जो आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन देने का काम करती है। लेकिन चौथी बैंक की जानकारी देने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारी कोशिश होती है कि किसान भाइयों की बेहतरी के लिए ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल पर लगातार हम लाते रहें,
और हम ऐसा करते भी है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अभी तक की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही और ज्यादा जानकारी लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही जानकारी लाते रहे तो आगे की जानकारी देखने और सुनने से पहले एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं अगली बैंक की, जिसका नाम है ICICI बैंक। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बैंक ICICI बैंक आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन उपलब्ध कराती है और इसके ट्रैक्टर लोन के ब्याज की शुरुआत 13% से होती है। ICICI बैंक के ट्रैक्टर लोन की एक खासियत है कि यह जरूरी ना होने पर किसी भी प्रकार की कृषि भूमि की मांग नहीं करती है। इसी के साथ यहाँ से ट्रैक्टर लोन की स्वीकृति आपको तेजी से मिलती है, साथ ही यहाँ आपको कम दस्तावेजों के साथ ट्रैक्टर लोन आसान तरीके से मिल जाता है। तो यदि आप ICICI बैंक से ट्रैक्टर लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको यहाँ से ट्रैक्टर लोन लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को समझना होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप यहाँ पर भी 3 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहला है सीधे बैंक की किसी भी ब्रांच में आवेदन, दूसरा है स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर संपर्क करके आवेदन, और ट्रैक्टर लोन आवेदन करने का तीसरा तरीका है ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हम 5 बैंकों की बात करेंगे जो आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन उपलब्ध कराती है, लेकिन 4 बैंक की जानकारी के बाद हम आपको 5वीं बैंक के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि एक फाइनेंस कंपनी के बारे में जानकारी देंगे जो आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन उपलब्ध करा सकती है। और इस फाइनेंस कंपनी का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पूर्व में यह मेगमा फाइनेंस हुआ करती थी, जिसका बाद में नाम बदलकर पूनावाला कर दिया गया। आप यहां से नए और पुराने ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए बेहद आसानी से लोन ले सकते हैं, क्योंकि पूनावाला के ट्रैक्टर लोन का ब्याज ना केवल कम है बल्कि यहां से ट्रैक्टर लोन लेने के लिए बेहद कम दस्तावेजों की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, यदि आप नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं और आप पुराने मेगमा फाइनेंस के मौजूदा ग्राहक है तो आपको किसी प्रकार की कृषि भूमि संबंधी दस्तावेजों की जरूरत यहाँ देना नहीं होती। इसी के साथ पूनावाला फाइनेंस से लिए जा रहे ट्रैक्टर लोन की किश्तों का भुगतान आप आपकी सुविधा के अनुसार मासिक, त्रैमासिक या अर्धमासिक रूप से कर सकते हैं। यानी आप आपकी किश्त का भुगतान हर महीने, हर 3 महीने या हर 6 महीने में कर सकते हैं। दोस्तों, पूनावाला फाइनेंस से ट्रैक्टर लोन आवेदन की प्रक्रिया में भी इन्हीं 3 तरीकों को अपनाया जाता है जो अब तक की मैंने 4 बैंकों के संबंध में बताए हैं। मतलब आप पूनावाला फाइनेंस की किसी भी ब्रांच के माध्यम से ट्रैक्टर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं या आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर संपर्क करके भी आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों के अलावा आप यहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से भी ऑनलाइन ट्रैक्टर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इन 4 बैंकों और एक फाइनेंस कंपनी में से किसी से भी आपको ट्रैक्टर लोन लेना है तो आवेदन करने से पहले आपको कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन सावधानियों पर बात करते हैं। दोस्तों, इन 4 बैंकों और एक फाइनेंस कंपनियों में से किसी से भी ट्रैक्टर लोन आवेदन करते समय आपको सबसे पहली बात ध्यान में रखना होती है कि ट्रैक्टर लोन की स्वीकृति और ब्याज का निर्धारण बैंक या फाइनेंस कंपनी की पॉलिसी के साथ ही साथ आपकी प्रोफाइल, इनकम, सिविल स्कोर के साथ ही साथ ट्रैक्टर के मूल्य और उसके प्रकार पर भी निर्भर करता है। साथ ही बैंक या फाइनेंस कंपनी बताए गए ब्याज से ज्यादा ब्याज भी वसूल सकती है। तो जब भी लोन के लिए आवेदन करें, पहले ब्याज के बारे में पुख्ता जानकारी लेना आपके लिए ठीक होगा। दूसरी सावधानी दोस्तों, आज की यह वीडियो हमने हमारे किसान भाइयों के लिए आसान भाषा में ट्रैक्टर लोन के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से लाए हैं। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि इनमें से ज्यादातर जानकारियां हमने विभिन्न स्रोतों और बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इकट्ठा की है और बैंक इसमें समय समय पर बदलाव भी कर सकती है। ऐसे में यदि आप यह जानकारी वीडियो के आज पब्लिश होने के बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो सभी जानकारियां स्थानीय तौर पर एक बार फिर से चेक कर ले, या जब भी आप ये वीडियो देखें तब कमेंट कर दे तो ताकि किसी बैंक ने अपनी पॉलिसी चेंज की होगी तो हम उसका रिप्लाई आपको उसी समय कर देंगे। दोस्तों, इन 4 बैंक और एक फाइनेंस कंपनी में से किसी भी ट्रैक्टर लोन लेने के संबंध में तीसरी और सबसे जरूरी सावधानी यह है कि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसी वीडियो हम आपके लिए आसान भाषा में जानकारी देने के लिए लाते हैं, तो हम यह भी साफ कर दें कि इस वीडियो का मकसद किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी के ट्रैक्टर लोन का प्रचार प्रसार करना नहीं है और ना ही आज की इन 4 बैंकों
और एक फाइनेंस कंपनी में से किसी ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉन्सर किया है। इन चार बैंकों और एक फाइनेंस कंपनी में से किसी से भी लोन लेना या न लेना आपका निर्णय है। ऐसे में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और लोन से जुड़ी सभी शर्तें अच्छे से समझें। तो दोस्तों, ये थी चार बैंक और एक फाइनेंस कंपनी की जानकारी जो आपको आसानी से ट्रैक्टर लोन उपलब्ध करा सकती है। दोस्तों, हो सकता है आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार या हमारा कोई भी किसान भाई ट्रैक्टर लोन लेने का सोच रहा हो, तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। साथ ही इन चार बैंक और एक फाइनेंस कंपनी में से किसी के भी संबंध में आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।